द एशियन स्कूल जम्मू, जो कि मीरा साहिब में है, उत्तराखंड का नंबर वन स्कूल है और जिसकी पहली ब्रांच जम्मू में है, जिसका कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेशन किया था। आज हमारे साथ उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं मिस्टर सक्सेना जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं स्कूल के बारे में भी, बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज रहती हैं, उनके सवालों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मिस्टर सक्सेना जी हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो कैसा है, ताकि आपसे जम्मू के लोग कनेक्ट कर पाएँ। और बहुत से सवाल हैं स्कूल के बारे में, उनका जवाब हम आपसे ज़रूर लेंगे। जी सर, पहले अपने बारे में ही कुछ बता देता हूँ। मेरा जो प्रीवियस स्कूल है, डेट वॉज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ मैंने 7+ ईयर्स स्पेंड किए। एंड लकीली, जैसा आपने बताया, मिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट किया है द एशियन स्कूल जम्मू। मेरा प्रीवियस स्कूल डेट वॉज ऑल्सो इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। सो ये काफ़ी प्रिविलेज की बात रही, काफ़ी प्राइड मोमेंट रहा। 2016 में वो स्कूल उन्होंने वहाँ इनॉग्रेट किया एंड आई गॉट द चांस टू सर्व इन दैट स्कूल सिंस 16। तो मैंने 16 के बाद का जो अपना समय निकाला, मैं उसी स्कूल में निकाला। बिफोर दैट आई वॉज इन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में था। वहाँ के मैंने 2 स्कूल्स में सर्व किया है। नेम्स के डिटेल भी आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट एट द टाइम आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी एज मच। बट द प्रीवियस एक्सपीरियंस आई एम कैरिंग दैट इज़ ऑफ 20 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें कहा कि आप अपने स्कूल का एक टूर हमारे करवाने वाले हैं। तो चलिए हम स्कूल की तरफ चलते हैं और आपको भी एशियन स्कूल का टूर कराते। बिल्कुल, चलिए। तो सक्सेना जी, इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप, एक विजन रहता है कि स्कूल को कहाँ तक लेकर जाना है, एक आप एक विजन से स्कूल में आए होंगे, तो पहले आपका विजन क्या है? विज़न जितने भी एकेडमियंस होते हैं, इन सब के एक ही विज़न होते हैं, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी ग्रो करे, पेरेंट्स हैप्पी हों बाय देयर किड्स परफॉर्मेंस। सक्सेना जी, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो तो जम्मू से नहीं है, बट अब आप जम्मू के पेरेंट्स से भी मिलते हो, आप जम्मू के स्कूल में हो, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू को आप क्या सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो कि जम्मू के स्कूल्स का भी जो डायरेक्ट कंपैरिजन है वो बाहर के स्कूलों से हो सके? राउंड्स ऑफ कन्वर्सेशन हैज़ बीन डन विद द पेरेंट्स। काफ़ी सारे पेरेंट्स आए, उन्होंने अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर किए। कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि इस एरिया को एक बहुत अच्छे स्कूल का नीड है, अच्छी एजुकेशन का नीड है। अच्छा स्कूल इन सेंस कि वो एक अच्छी एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करे। जो आपका क्वेश्चन था कि आप इस जगह को क्या देना चाहते हो, सो मैं इस जगह को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, जो बच्चा एक इंडिविजुअल स्टैंड करे, अपनी सोसाइटी के लिए सोचे और एक इथिकल सोच रखे। तो चलिए सक्सेना साहब, आपके ऑफिस में चलते हैं, और भी सवाल आपसे होंगे और बैठ के बात करते हैं, ताकि पेरेंट्स के जो सवाल हैं उनका सही तरह से आप जवाब दे सकें। जी जी, मोस्ट वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम मैडम। चलिए अभी हम प्रिंसिपल ऑफिस का भी एक टूर करते हैं और यहाँ पर इनसे बैठ के बात करते हैं। बहुत से पेरेंट्स का सवाल है कि द एशियन स्कूल जम्मू को किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें द एशियन स्कूल देहरादून उत्तराखंड का, कि किस तरह से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है उसका? जी, द एशियन स्कूल देहरादून उत्तराखंड कैंपस, दे आर सपोर्टिंग अस फ्रॉम ऑल द साइड। उनके जो SOPs हैं, दे आर सेंडिंग टू अस। उनका प्रोसीजर एडमिशन टू विदड्रॉल, हम उन्हीं का फॉलो करते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी है, वो भी देहरादून कैंपस से ही हमारे पास आता है। हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम, हमारा वर्क वे, वर्क कल्चर, दे आर ओनली डिसाइडिंग ऑल दीज थिंग्स। मतलब मैं आगे ऐसा समझूं कि आप ऐसा कह रहे हैं कि जो भी उनका करिकुलम है, जिस तरह से वो वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह से वही सारी चीज़ों को आप भी यहाँ पर फॉलो करते हैं और जम्मू के बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं? जी, सेम, इन अ सेम वे। सर, द एशियन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत बार आई हूँ, लेकिन पेरेंट्स तक पहुँचाना है कि क्या खासियत है स्कूल की, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्कूल का? जी, इंफ्रा में हमारे पास क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स वी कैन से। स्मार्ट बोर्ड्स का अवेलेबिलिटी है इन ईच एंड एवरी क्लासरूम। बेंचेस हमारे वेल डिज़ाइंड हैं। प्री प्राइमरी के क्लासरूम्स में हमारे पास बच्चों के बैग रखने से लेके, उनके बॉटल्स रखने से लेके, उनका प्ले जोन,
उनका किड जोन एरिया, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हायर सेक्शन के किड्स के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है विद द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 50 स्टूडेंट्स एट द टाइम, कंप्यूटर लैब है विद द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 35 स्टूडेंट्स एट द टाइम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है हमारे पास विद द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 50 स्टूडेंट्स एट द टाइम, म्यूज़िक रूम है हमारे पास विद ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, एक मिनी फुटबॉल का हमारे पास ग्राउंड है एंड एक बास्केटबॉल ट्रेनिंग का हमारे पास स्मॉल सा एरिया है। दीज ऑल थिंग्स वी हैव। जब मैं स्कूल के इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करती हूँ द एशियन स्कूल की, तो मैं वहाँ पर एनालाइज करती हूँ कि स्पोर्ट्स और गेम्स जैसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। क्या आप भी नाउएडेज बच्चे ज़्यादा फ़ोन पर लगे रहते हैं, तो आप भी गेम्स और स्पोर्ट्स का सहारा ले रहे हैं उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए? जी, आपने बहुत सही नोटिस किया है, डैट इज़ रियली ट्रू। हम हमारे स्पोर्ट्स को एक सहारा बनाते हैं बच्चे को उस मोबाइल के जोन से बाहर रखने के लिए, एंड हमारा मोर ओवर फोकस होता है कि हमारे बच्चे तालुका लेवल पर खेलें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलें, स्टेट लेवल पर खेलें एंड उसके बाद में नेशनल लेवल पर भी खेलें। हम हमारे बच्चों को इनसाइड द प्रेमाइसिस टेक्निकल ट्रेनिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि फुटबॉल की, खो खो की, कबड्डी की, एंड लाइक फॉर्चुनेटली वी हैव ए वंडरफुल स्पोर्ट्स टीचर टू। सर, अभी आपने अपने स्पोर्ट्स टीचर का जिक्र किया कि आपके पास एक बहुत हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स टीचर है, लेकिन मैंने द एशियन स्कूल के बारे में ऐसा भी सुना है कि जो इनका स्टाफ है वो बाहर से भी है, यानी जम्मू के बाहर से भी आपके पास टीचर्स हैं, तो क्या ऐसा रहता है कि जिस तरह से क्या बेनिफिट रहेगा बच्चों को कि अगर आप बाकी स्टेट से भी अपना स्टाफ रखते हैं? हमारे पास जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, ही इज एक्स आर्मी ऑफिसर, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली and after that he joined our school and technically he is wonderful sound kind of personality or trainer we can say. जो मेरे बाकी का टीम है including me, मैं खुद भी गोवा से हूँ, महाराष्ट्र में मेरी वाइफ रहती हैं, मेरी डॉटर रहती है, मेरे पास जो coordinators हैं one belongs to राजस्थान, one belongs to मेघालय, जो administrator हैं हमारे he also belongs to उत्तर प्रदेश। ऐसा मेरा मानना है कि स्कूल के अंदर टीचर बाहर का और नेटिव जो है वो दोनों का ब्लेंड हमें एक चाहिए होता है, कि बच्चा एक आउटसाइड का कल्चर भी सीखे और जो उसके स्टेट का कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस भी वो भूले ना। सो हमने ट्राई किया कि हम एक बहुत अच्छा ब्लेंड रखें। एज ऑफ नाउ वी हैव 25 प्लस टीचर्स इन द स्कूल और बाकी का 10 स्टाफ है, बट 25 में से ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से टू यू कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं दे आर एज पर द मार्क। सर, मैंने सुना है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है जो बहुत इफेक्टिवली काम करती है, लेकिन ये बच्चे को किस तरह से हेल्प करती है घर तक पहुंचाने में और घर से स्कूल तक लाने में, जबकि आपके मैं एरिया की बात करूँ तो वो काफ़ी दूर दराज का एरिया है? जी, हमारे पास एक बहुत ही डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है विच इज़ हेडेड बाय आवर एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर नीतीश कुमार। हमारे पास इन ऑल द कैटेगरीज बसेस अवेलेबल हैं जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 25 से लेके 40 तक की है, 40 स्टूडेंट्स पर बस। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी फार इंटीरियर के प्लेसेस से स्कूल तक पहुंचाने में और वो भी टाइमली पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। काफ़ी अप्रिसिएशन हमें इसके बारे में मिला, इससे रिलेटेड मिला, एंड जो बसेस हैं इसमें सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं विथ ऑल सेफ्टी मोड्स। हमारे पास हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता है। सक्सेना जी, आपने मुझे बहुत सारी स्कूल की फैसिलिटीज़ बताई, जिस तरह से लाइक मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करूं, जो भी आपने फैसिलिटीज़ गिनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया, तो क्या एक मिडिल मैन अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसका सपना रहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए और अच्छे स्कूल में स्कूल का नाम आता है द एशियन स्कूल, तो क्या एक हमारी सोसाइटी का मिडिल मैन अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करा सकता है, उसकी जेब इजाज़त देती है? जी जी बिल्कुल, एक मिडिल मैन कॉमन पर्सन स्कूल में आकर अपना एडमिशन करा सकता है। इसी सोच के साथ एक्चुअली ये स्कूल स्टार्ट हुआ है कि दिस शुड बी इन द रीच ऑफ एवरी कॉमन मैन। एक जो साधारण पर्सन है जिसका बच्चा चाहता है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, उसको एक अच्छी एजुकेशन इन ए नॉर्मल अमाउंट और इन ए नॉमिनल अमाउंट मिले, ये हमारी सोच हमेशा से रही, एंड आवर फीसेस आर वेरी मच नॉमिनल, आई कैन अश्योर टू यू। सर, आपने हमें फ़ी तो बता दी कि बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, यहाँ पर कोई भी एडमिशन करवा सकता है, कॉमन मैन भी, लेकिन अब प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के एडमिशन करा सकते हैं? जी, एडमिशन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, नॉट वेरी मच कॉम्प्लेक्स। एक स्मॉल स्क्रीनिंग के बाद एनीवन, बट
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ये एडमिशन होते हैं. सो आकर अपना एडमिशन यहाँ पे रिजर्व करा सकते हैं, बट एक स्मॉल स्क्रीनिंग उनको उसकी गो थ्रू होना पड़ेगा स्टूडेंट को, और एक पेरेंट्स का पर्सनल इंट्रैक्शन होगा. दैट्स इट सर. तो क्या कोई इस टाइम में एडमिशन ले सकता है, अक्टूबर का मंथ चल रहा है? जी हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है. अभी भी एडमिशन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट इन फ्यू क्लासेस ओनली. मतलब जहाँ पर हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं मिड टर्म के लिए, वहाँ पर एडमिशन्स हम दे सकते हैं. बट अगेन द क्राइटेरिया विल बी सेम, फर्स्ट कम एंड टेक द एडमिशन. कि आप आइए और अपने बच्चे का एडमिशन लेकर के अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करिए. ये मेरा पेरेंट्स को एक अपील है, एक मैसेज है. तो आज हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल थे, द एशियन स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सक्सेना जी, जिनसे हमने खास तौर पर बात की. बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज थी, उन्हें लेकर भी आई होप इन्होंने आपको जो जवाब दिया आप सेटिस्फाइड होंगे. अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए, आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर जो है वो यहाँ पर स्कूल का एड्रेस भी देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी.